हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, उसका हमने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करके देखा है, देन हमने देखा है कि उसका सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो आज की वीडियो में हम उस प्रोग्राम को ही समझेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे कंपाइल हो रहा है, कैसे वो एग्जीक्यूट करा रहा है। ओके, तो उसका बैकएंड जो प्रोसेस है, उसका कंपाइलेशन क्या है, उसके एग्जीक्यूशन क्या है, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो वीडियोस हैं ये मैं आपके लिए पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी मेरी उस प्लेलिस्ट की, उसके अंदर मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं आपके लिए बेटर क्वालिटी की वीडियो बना पाऊँ। ओके, सो मैंने दोबारा से ये वीडियोस बनाने की सोची कि मैं स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस दोबारा बना दूँ आपके लिए, दोबारा रिकॉर्ड कर दूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो गाइज, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम कैसे हमने क्रिएट किया था और उसके एग्जीक्यूशन की कैसे क्या प्रोसेस है। ओके, तो हमारा लास्ट जो प्रोग्राम था वो है, हमने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम है, इसमें हमने प्रोग्राम क्रिएट किया था। देखो, स्टार्टिंग में हमने लिया पैकेज नेम। ओके, स्टार्टिंग में हमने पैकेज लिया, देन हमने हमारा पब्लिक जो यहाँ पे क्लास है वो लिया। पब्लिक क्या है यहाँ पे, एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास, ये हमारा जो क्लास है एक कीवर्ड है, जो भी हम क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे उससे पहले हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना होगा, देन हमारे क्लास का नेम है। ओके, तो ये सभी आने के बाद हमारे पास आता है मेन मेथड। ये जो ब्लॉक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड है, ये हमारा क्या है, ये क्लास ने यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट किया है। ओके, देन हमारा ये मेथड है, ये मेन मेथड है। इसके बाद जो ब्लॉक है कर्ली ब्रेसेस है, इसमें हमारा मेन मेथड है। ओके, मेन मेथड का ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे एसेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम, स्टार्टिंग होता हमारे पास क्लास ब्लॉक। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, जो फर्स्ट ये कर्ली ब्रेसेस है हमारे पास, ये और ये हमारा क्लास ब्लॉक है। ओके, तो ये सभी हमारे पास क्लास ब्लॉक है। उसके अंदर हमारे, देखो, सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो है मेन मेथड ब्लॉक। जो ये मेन मेथड ब्लॉक है हमारे पास, ये जो अंदर ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसके अंदर जो कोड है, ये हमारे पास मेन मेथड है। ओके, मेन मेथड का ब्लॉक है। देखो, सबसे पहले हमारा आया क्लास ब्लॉक, देन मेथड ब्लॉक, एंड देन हमारे स्टेटमेंट। तो तीन यहाँ पे एसेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास क्लास ब्लॉक, द मेन मेथड एंड प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ले रखी है, उसकी जगह पे हम कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट ले सकते हैं, कोड ले सकते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट जो आएगा वो आएगा प्रिंट स्टेटमेंट। तो हमारे स्टार्टिंग में देखो, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पास है क्लास, देन हमारा नेम जो है वो है, ओके, जो मैंने फाइल का नाम ले रखा है वो क्या ले रखा है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लास का नाम है, सॉरी, ये मेरा फाइल का नाम है। ओके, तो फाइल का नाम मेरा कैसे होगा, जो नाम मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे रहा हूँ उसी नाम के अकॉर्डिंग सेम नेम मैंने फाइल का लेना होगा। ओके, तो फाइल नेम मैंने ले लिया है, देन हमारे पास है मेन मेथड, देन हमारा स्टेटमेंट। ओके, ये हमारे पास बॉडी है। ओके, ये जो मेन मेथड के अंदर जितना भी हम कोड लिखेंगे, ये हमारे पास बॉडी है। ओके, जो भी कोड हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना होगा वो कोड हम कहाँ लिखते हैं, मेन मेथड के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये बॉडी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आता है हमारे पास, देखो, फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने दो लाइन प्रिंट करा रखी है, मैं एक लाइन और प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पर मैं ln का यूज करूंगा यहाँ पर। ओके, और मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ ले लेता हूँ system.out.print ले लिया मैंने, क्योंकि ln मैंने यहाँ पे ले रखा तो यहाँ से चेंज हो जाएगी लाइन। ओके, तो मैंने इसमें एक लाइन और प्रिंट करा दिया है। मैंने क्या किया है, आई एम फाइन जो लाइन है मैंने इसके अंदर प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो, ये मेरे पास कोड है यहाँ पे, अभी जो ये फाइल है ये सेव नहीं की है मैंने, तो सेव कर देता हूँ, सेव हो गई है। तो जो ये मेरे पास यहाँ पे फाइल है डॉट जावा, जो फाइल है मेरे पास, इसके अंदर ये जो कोड है ये अपडेट हो गया है, लेकिन जो हमारा कंपाइल कर रखा है मैंने, जो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल है, इसके अंदर अभी ये अपडेट नहीं हुआ। तो अपडेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सीएमडी को मैं ओपन कर लेता हूं, मैं यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी का यूज करूंगा, सीडी डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप पे ये हमारा आ चुका है। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे कंपाइलेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, जावा सी स्पेस जो हमारे क्लास का नाम है वो, फाइल नेम डॉट जावा। ओके, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही मेरा जो ये फाइल है, अब की बार जो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास है, ये अपडेट हो गई है। ओके, अपडेट होने के बाद हम चेक कैसे करते हैं, इसका एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड
ये मेरा क्लास का नाम है यहाँ पर, ओके देन मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो तीनों लाइन यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है, हेलो वर्ल्ड आ चुकी है, हाउ आर यू आ चुके हैं, आई एम फाइन आ चुकी है। ओके तो तीनों लाइन इसने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। देन हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जो ये सभी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है कैसे हो रही है। ओके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो क्या है, तो हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले हमने क्या किया है, यूज एनी एडिटर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले नॉट पैड में हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था हमारा, जो एडिटर के अंदर हमने प्रोग्राम क्रिएट किया वो कर लिया। देन हमने क्या किया, जो हमारा फाइल यहाँ पे सेव हुई है, जो नाम हमारे पास क्लास का नाम था उसी नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया है। ओके तो फाइल का नाम यहाँ पे सेव हो चुका है। देन मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे डॉट जावा क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, यहाँ पे जो भी फाइल होगी जिस कोड को हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं उसके एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। ओके देन कंपाइलर, जो हमारा जावा सी, जो हमारा कंपाइलर है, जावा का इनबिल्ट कंपाइलर है जावा सी, उसने क्या किया, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, ये बता रखा है कि कंपाइल करने के लिए हमें टाइप करना होगा जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये मैंने कंपाइल कर लिया। यहां से कंपाइल होते ही ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल में कंपाइल हो जाएगा। अभी तक मेरे पास जो फाइल थी वो क्या थी, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, देन कंपाइल होकर ये किस में कन्वर्ट हो गया, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। ओके जो कि क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज वर्जन ऑफ योर प्रोग्राम, इसने क्या किया, बाइट कोड में इसने कन्वर्ट कर दिया। बाइट कोड जो होता है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, ओएस पे चल सकता है। ओके तो यहाँ पे बाइट कोड मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। बाइट कोड का कन्वर्ट होने का मतलब यही है कि ये जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए और जो कंप्यूटर है वो जल्दी से समझ ले। ओके तो और एक और चीज आ रही है यहाँ पे, अगर ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा, बाइट कोड हर एक प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, मैक पे भी चल सकता है, विंडोज पे भी चल सकता है, यहाँ पे लिनक्स में भी चल सकता है। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो अब तक अगर मैं कंपाइल नहीं कराता तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं था। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल कराया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ देन मैंने क्या किया, इसको जेवीएम के पास भेजा। जेवीएम के पास कैसे जाएगा ये, जब मैं टाइप करूंगा जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड, ये मैंने जैसे ही इसको कमांड दी, कमांड देती है जेवीएम के पास गया, जेवीएम ने इसको एग्जीक्यूट कराया। ओके तो जेवीएम क्या कर रहा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा है। और ये सभी काम किसके अंडर हो रहा है, जीआरई के अंडर, जो इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है वो जीआरई करा रहा है। और एक और चीज, ये सभी प्रोग्राम देखो, ये जितना भी कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट हो रहा है, वो सभी चीजें किसके अंडर हो रही है, जेडीके के अंडर। जेडीके के अंदर जेआरई और जेआरई के अंदर जीवीएम है। ओके तो ये बात आप ध्यान रखना। ओके तो इसमें यही चीजें मैंने बता रखी है। देखो जावा का मैंने सबसे पहले क्या किया, डॉट जावा के नाम से ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव कराई। देन मैंने क्या किया, जो जावा से मेरा कंपाइलर है उसके पास ये कोड भेजा और मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल करा बाइट कोड के अंदर, ये बाइट कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। तो बाइट कोड ने क्या किया, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है क्या करेगा, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करा देगा। यही चीज मैंने इसमें बता रखी है। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा, देखो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे क्लास नेम डॉट जावा। ओके जैसे ये क्लास नेम डॉट जावा मैंने फाइल का नाम रखा, वैसे ही उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल करा दिया। कंपाइल करती है क्लास नेम डॉट क्लास में, देखो ये चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो जावा फाइल ले रहे हैं उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा, और जो हम यहाँ पे कंपाइल करा रहे हैं उसके एक्सटेंशन है हमारे पास डॉट क्लास, ये हमारा बाइट कोड है। ओके जीवीएम ने इसको आउटपुट दे दिया, यही हमारा प्रोसेस है। अब मैं आपको सिर्फ ये नेमिंग कन्वेंशन कराऊंगा, पैकेज है, कमेंट है, ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको नेमिंग कन्वेंशन करा रहा हूँ और ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके तो नेमिंग कन्वेंशन क्या है हमारे पास, देखो इसने बता रखा है, फॉर क्लासेस वी यूज पास्कल कन्वेंशन। पास्कल कन्वेंशन का मतलब क्या है, जब भी देखो यहाँ पे फर्स्ट हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे देखो एच जो है कैपिटल है, वर्ल्ड का यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल है। ओके तो ये मैंने क्या कर रखा है, पास्कल कन्वेंशन बोलते हैं इसको हम, जो हमारे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा उसको हम पास्कल कन्वेंशन यहाँ पे बोलेंगे। तो पास्कल कन्वेंशन हम कब यूज करते हैं, फॉर क्लासेस। ओके क्लासेस का नाम देना हो तो हम यहाँ पे पास्कल कन्वेंशन का यूज करेंगे। फर्स्ट एंड सबसिक्वेंट कैरेक्टर फ्रॉम ए वर्ड आर कैपिटल लेटर अपर केस। ओके ये चीजें मैंने आपको इसमें बता रखी है, जो हमारा जो भी यहाँ पे क्लास का नाम होगा उसका हर एक वर्ड यहाँ पे कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड। ओके फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे कैपिटल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेन ले रखा तो मेन का सिर्फ मैंने एम कैपिटल ले रखा है। जैसे माय स्कैनर ले रखा तो एम कैपिटल और एस कैपिटल। अगर मैं यहाँ पे और कोई नाम लेना चाहूँ तो आप मुझे कमेंट में यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं और क्या नाम ले सकता हूँ। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि और हमारे क्या नाम हो सकते हैं, कुछ भी आप नाम ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माय कोड। ओके माय कोड मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जावा एग्जाम्पल।
जावा ईएक्स के नाम से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल क्रिएट कर दी है, यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दी है, तो मैंने जे कैपिटल लिया और ई कैपिटल लिया है, तो हम यहाँ पे क्लासेस के नेम ऐसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारे पास है पास्कल कन्वेंशन। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, सेकंड जो हमारे पास कन्वेंशन है वो क्या है, कैमल केस कन्वेंशन। कैमल केस कन्वेंशन हम कम यूज करेंगे, देखो जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे, जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे, उनके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैमल केस कन्वेंशन का। ओके, कैमल केस कन्वेंशन क्या है, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा हर वर्ड का, जैसे मैं यहाँ पे माई नेम ले रहा हूं, तो माई नेम का एम वाई स्मॉल होगा, जो जो सेकेंड वर्ड है जो हमारा नेम है तो उसका एन कैपिटल होगा। तो कैमल केस कन्वेंशन का देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे मेन है तो इसका पूरा का पूरा नाम जो है वो यहाँ पे स्मॉल है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माई कोड ले रहा हूं तो माई कोड का देखो जो एम है वो यहाँ पे स्मॉल है, एंड देन जो सेकेंड जो सब्सिक्वेंट यहाँ पे करेक्टर है वो यहाँ पे कैपिटल है। तो वैसे ही माई प्रोग्राम है, अगर मैं यहाँ पे जो ये मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम है इसको ही मैं एक बार कॉपी करता हूँ। ओके, ये मैंने कॉपी किया, और अगर मैं इसको कैमल केस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो कैसे कर सकता हूँ, जो पी है मेरे पास इसको मैं स्मॉल कर दूंगा। ओके, तो प्राइम जो है वो यहाँ पे पी स्मॉल है, एन जो है वो यहाँ पे कैपिटल है, ये हमारे पास कैमल केस कन्वेंशन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशंस भी बता दिया आपको, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो भी बता दिया मैंने आपको, और रूल्स आपको बताइए कि हम कैसे इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो इतनी, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको जितने प्रोजेक्ट्स हो सके, जितने आप प्रोग्राम्स बना सको एक बेसिक लेवल पे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करके देखो। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आपको कोई डाउट होता है, तो मुझे कमेंट में या मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। ओके, और मेरी वीडियोस को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पेजेस को फॉलो करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।